हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलाई मशीन के बारे में। आप लोग को देख के समझ में ही आ गया होगा कि सिलाई मशीन का ही आज जो है वह क्लास है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सिलाई मशीन से क्वेश्चन आते नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसके पार्ट से ही पूछे जाते हैं कि उसके कितने पार्ट हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ देते हैं। जिनसे क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे कि आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं, जो और भी होम साइंस के ग्रुप और फ्रेंड्स हैं, उन लोगों तक ये नॉलेज जो है वह पहुँच सके, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है स्पूल। ध्यान दीजिए, ये धागा फंसाने के लिए स्पूल है। इसी को पिन भी कहते हैं, इसी को किल्ली भी कहते हैं। ये सिलाई मशीन में ये तीन होते हैं। एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर मेरी जो है वो टूट गई, क्योंकि मेरी मशीन जो है वह बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक यहाँ पर होती है जिसमें कि धागा डाल के आप लोग बॉबिन में धागे को भर सकते हैं, ठीक है। तो स्पूल, पिन या फिर किल्ली भी इसे कहते हैं। ये कितनी होती है संख्या में? तो यह संख्या में तीन होती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा हथपहिया, ठीक है। हथपहिया, इसे हैंड व्हील भी कहते हैं। ये देखिए, ये हथपहिया, ठीक है। इसी को हैंड व्हील कहते हैं। इसी की सहायता से जो है वह मशीन जो है वह चलती है और यहाँ पर सिलाई होती है। तो किसकी सहायता से जो सिलाई होती है? तो हथ पहिए की सहायता से जो है वह चलती है। इसी को कहते हैं हैंड व्हील, ठीक है। जो लोग सिलाई करते होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, फिर भी बुकिश लैंग्वेज में तो हम लोगों को जानना ही पड़ता है, ठीक है। हम लोग ऐसे जनरली भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, बट बुकिश लैंग्वेज एग्ज़ाम में तो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो कि किताबी भाषा पर आधारित होता है। तो इसे हैंड व्हील कहते हैं, हैंड व्हील या फिर हथपहिया। नेक्स्ट है हमारा तनाव नियंत्रक। तनाव नियंत्रक यानी कि टेंशन रेगुलेटर। अब टेंशन रेगुलेटर देखिए कहाँ पर है, अभी मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा टेंशन रेगुलेटर, जिसे कि तनाव नियंत्रक भी कहते हैं। यह भी मशीन का ही एक पार्ट है। अब देखिए ये तनाव नियंत्रक कहाँ है, तो यहाँ देखिए, ये देख रहे, ये चीज़ ये है टेंशन रेगुलेटर, यही है तनाव नियंत्रक। धागे पर तनाव, यानी कि जो धागा ढीला रखना है या फिर कसा रखना है, ये यहीं से कंट्रोल होता है। इसे क्या कहते हैं? टेंशन रेगुलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेंशन रेगुलेटर क्या होता है, ये समझ में आ गया। और ये मशीन में देखिए कहाँ पर होता है, ये पार्ट है टेंशन रेगुलेटर। यहीं से धागा क्या होता है, टाइट या फिर ढीला किया जाता है, ये इसकी सहायता से, ठीक है। ये इसी की सहायता से धागा कसा या फिर ढीला हम लोग करते हैं। जो मशीन चलाते होंगे उनको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होंगी, और जिनको नहीं पता है वो इस तरीके से आप लोग भी अच्छे से यहाँ से सीख जाएंगे। चाहती तो मैं इसको ड्रॉ करके भी आप लोगों को सिखा सकती थी, बट मुझे लगा इस तरीके से अगर आप लोग सीखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को ध्यान में रहेंगी, ठीक है। तो टेंशन रेगुलेटर समझ में आ गया कि ये टेंशन रेगुलेटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है। अब ये क्या है? अब देखिए, थ्रेड टेकअप लीवर ये है, ये देख रहे हैं। अब इसको जब हम यहाँ से इस तरीके से चलाएंगे मशीन को, तो ये क्या होगा? धागा, देखिए ध्यान दीजिए, ये धागा थ्रेड टेकअप लीवर की हेल्प से, उसकी सहायता से ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हो गया थ्रेड टेकअप लीवर। ये क्या है? ये टेंशन रेगुलेटर, ठीक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं नीडल बार। अब ये नीडल बार क्या है? देखिए ये, हाँ, यहाँ से मैंने मशीन चलाया, अभी मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ कि नीडल बार क्या है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये निडिल दिख रहा है आप लोगों को एकदम क्लियर? तो ये निडिल है। अब यही निडिल देखिए, ये रॉड जैसा दिखा आपको, तो ये है निडिल बार, ठीक है। इसी में क्या होता है, सुई जो है वह लगी होती है। निडिल बार की ही सहायता से सुई जो है वह लगी रहती है और ऊपर नीचे कटती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये है निडिल बार। आगे देखते हैं निडिल क्लैंप। अब देखिए और भी बड़ा मैं आपको पास से दिखाती हूँ। निडिल क्लैंप क्या है? तो ये देखिए, ये है निडिल बार, आप लोगों ने देखा अच्छे से निडिल बार देखा। अब निडिल क्लैंप देखिए, ये इसी की हेल्प से निडिल क्लैंप, और इधर से मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये निडिल बार मैंने अभी आपको दिखाया, और ये है निडिल क्लैंप। इसी की हेल्प से जो है वह सुई जो है वह
रॉड में फंसी रहती है और ऊपर नीचे करती है। ठीक है, ये निडिल बार है और ये निडिल क्लैंप है। ये सारे मशीन के ही पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये निडिल क्लैंप है, इसी को कस देते हैं तो सुई क्या हो जाती है, जो है टाइटली इसी में बंधी रहती है, रॉड के सहारे टिकी रहती है, और रॉड जब ऊपर नीचे करता है तो सुई भी ऊपर नीचे करती है। तो निडिल क्लैंप की ही हेल्प से जो है वह सुई रॉड में टाइटली टिकी रहती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेशर बार। ठीक है, प्रेशर बार कहाँ है तो देखिए, अभी मैं आपको और भी पास से दिखाती हूँ प्रेशर बार। ये देखिए, ये पोर्शन जो है ये प्रेशर बार है। ठीक है, इसी में क्या लगा रहता है, प्रेशर फुट लगा रहता है जो कि कपड़े को अच्छे से दबाया रहता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, ये है प्रेशर बार। ठीक है, प्रेशर बार इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और कपड़ा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, और इसको नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और कपड़ा टाइटली दब जाएगा। इसीलिए इसको प्रेशर बार कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये प्रेशर से ही जो है वह कपड़ा दबा रहता है और आराम से सिलाई होती है। तो ये प्रेशर बार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रेशर फुट। ठीक है, ये हो गया प्रेशर बार, ये है प्रेशर फुट। इसी में कपड़ा क्या है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसकी हेल्प से जो है कपड़ा जो है वो दबा रहता है और सिलाई जो है होती रहती है और कपड़ा आगे खिसकता रहता है। तो ये क्या है, ये प्रेशर फुट है, ये प्रेशर बार है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू देखिए यहाँ पर है, ये मशीन के पीछे इस तरीके से रहता है, जो कि किसको कंट्रोल करता है, जो कि कंट्रोल करता है प्रेशर बार को। देखिए, अभी मैंने यहाँ से इसको ऊपर किया, ये इस तरीके से ऊपर किया तो ये क्या हो गया, ये ऊपर हो गया, और अगर हम नीचे करेंगे तो ये प्रेशर बार पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर फुट जो है वह दब जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। आप लोग बेसिकली नाम और काम ही याद रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, इन्हीं से निकल के आते हैं, बहुत ही डीप में क्वेश्चंस जो है सिलाई मशीन से नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फेस प्लेट। अब ये देखिए फेस प्लेट कहाँ पर है, तो ये पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं यही है फेस प्लेट। इसको यहाँ से अगर मैं पेचकस से खोलूँगी तो ये क्या होगा, ये प्लेट जो है वो आराम से पूरी निकल आएगी। तो इसका मेन काम क्या होता है कि मशीन के अंदर के जो पुर्जे होते हैं यहाँ पर लगे हुए, तो वो क्या होते हैं, इससे कवर रहते हैं, जो अंदर की चीज़ें जो है वह इससे फिर धूल और मिट्टी इस पर नहीं बैठता है, तो ये कवर किया रहता है अंदर के कल पुर्जों को। तो ये क्या है, ये है फेस प्लेट। अब फेस प्लेट में ही देखिए क्या लिखा रहता है, थ्रेड गाइडर। ठीक है, थ्रेड गाइड जो है वह फेस प्लेट में ही होता है। थ्रेड गाइड देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर। थ्रेड गाइड करने का मतलब धागे को इसमें से फंसा के आराम से, ये एक थ्रेड गाइड यहाँ पे भी है, जिससे कि धागा जो है वह सीधे अपनी गति में आता रहे, इधर उधर जो है वह उलझे नहीं, इसीलिए जगह जगह पर थ्रेड गाइड दिए गए हैं। देखिए एक यहाँ पर दिया गया है थ्रेड गाइड, एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है। तो ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये संख्या में तीन होती हैं और ये मशीन में धागे को जो है वह सीधी रखने में सहायता करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फीड डॉग। अब ये फीड डॉग क्या होता है, तो देखिए ये मैं यहाँ पर देखिए अभी जूम करती हूँ तो आपको फीड डॉग में आराम से दिखाती हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये हो गया, इसको मैंने ऊपर किया, प्रेशर फुट को ऊपर किया, तो ये दांते जैसा जो दिख रहा है ना यहाँ पर, यही होता है फीड डॉग। फीड डॉग की ही हेल्प से, इसकी ही फीड डॉग की ही सहायता से जो है वह कपड़ा जो है वह आगे की तरफ बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कपड़ा जो है वह आगे की तरफ बढ़ता है। तो कपड़ा मशीन में किसके सहायता से आगे बढ़ता है, तो फीड डॉग की ही सहायता से कपड़ा जो है वह मशीन में आगे की ओर खिसकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग कैसे आएंगे, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फीड डॉग, प्रेशर फुट, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, मशीन के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉबिन बाइंडर। अब देखिए बॉबिन बाइंडर कहाँ लगा होता है, तो बॉबिन बाइंडर देखिए, अब मैंने ये प्लेट निकाला, ठीक है, ये प्लेट निकाला और यहाँ पर देखिए ये है बॉबिन, ये बॉबिन बाइंडर है। इसको मैं बहुत ही आराम से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ये देखिए यही है बॉबिन। ठीक है, ये बॉबिन केस है, इसके अंदर जो है वह धागा भरा रहता है, जिससे कि चीज़ें धागा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। ये है बॉबिन बाइंडर, देख रहे हैं आप लोग, इसमें आराम से धागा भर लीजिए, फिर ये बॉबिन केस है, इसमें इस तरीके से लगा दीजिए और फिर इस केस को जो है वह यहाँ पर हम लोग आराम से लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, धागा फिर नीचे से ऊपर आएगा और सिलाई होगी। ठीक है, तो एक धागा ऊपर से और एक धागा नीचे से, तब जाके पक्की सिलाई मशीन की
होती है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा बॉबिन केस। बॉबिन केस के अंदर ही बॉबिन बाइंडर लगा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट पोर्शन है। देखिए यहाँ के जितने भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन थे वो सब मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा ये लास्ट पार्ट है, ये है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर कहने का मतलब कि ये धागे के जो टांके होते हैं वो बड़े या छोटे स्टिच रेगुलेटर की सहायता से ही करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे इसको ढीला करिए, फिर इसको ऊपर या फिर नीचे और फिर इसको ऊपर, जिस तरीके का टाका हमें चाहिए इसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये क्या है, स्टिच रेगुलेटर, जो कि टाकों की लंबाई जो छोटी या बड़ी कैसी होनी चाहिए वो कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है स्टिच रेगुलेटर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। अगर इससे चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी तो फिर मैं नहीं कराऊँगी। तो जैसा होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वन लाइनर के फॉर्म में भी अगर आप लोग मशीन के से क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ इस तरीके से समझने से तो चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।